हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसे कि अगर आपने आपका भी कोई यूट्यूब चैनल है और आपको थंबनेल बनाना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे थंबनेल्स जैसे बने हुए हैं, तो आप कैसे अट्रैक्टिव और अच्छे से थंबनेल बना सकते हैं, तो उसी के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कुछ ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप उन्हें बना सकते हैं। उन ऐप्स के बारे में हम आपको बताएँगे और वो कहाँ पर ऐप्स मिलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और यहाँ पे जो बेल आ रही है इसमें बेल आइकन में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं और आपको हम बताते हैं कौन कौन से आपको ऐप्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले आपको जाना पड़ेगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाके आपको प्ले स्टोर में जैसे ही आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप करना है JPG, ठीक है, JPG 2PNG। जैसे कन्वर्टर यह दे रहा है JPG to PNG कन्वर्टर, ये देखो कन्वर्टर दे रहा है, यानी यहाँ से हम कन्वर्ट करेंगे आपके फ़ोटो के साइज़ को, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है। इसे ही आपको डाउनलोड कर लेना, इसका आइकन देख लीजिए, आपको मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ पर हम इसे ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ओपन कर लेते हैं। और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कहेगा कि लोड करिए फ़ोटो। यहाँ पे कोई भी फ़ोटो हम ले सकते हैं, उसे JPG में होगा, उसे हम PNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही फ़ोटो है, इसे जैसे हमें करना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा ये कि सेव करें JPEG में कर दें, ठीक है, JPG में हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे PNG में होगा। तो आपको हमें क्या किस में करना है, PNG में सेव करना है। और जैसे ही हम PNG में सेव कर देते हैं तो ये यहाँ पे क्या करेगा, आपको वहाँ पे शो करा देगा आपको गैलरी में PNG में, ठीक है। तो इसी फ़ोटो का हम यूज़ करके आपको दिखाएंगे। तो इसके बाद आपको एक ऐप्स की और ज़रूरत पड़ती है जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए उसको, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके आपको डालना पड़ेगा पिक्सल लैब, ठीक है। तो जैसे ही आप पिक्सल लैब डालेंगे तो यहाँ पे ये देखिए आ जाएगा ये, तो यहाँ पे आपको इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पिक्सल लैब पे क्लिक करेंगे तो इसका आप आइकन देख लीजिए, ये रहा आइकन इसका, और यहाँ पे आप करिए, यहाँ पे जैसे मैंने कर रखा है तो हमारा ओपन करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पर हम अपने थंबनेल को बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने थंबनेल को बनाना है तो कुछ इसका इंटरफेस ऐसे आपको दिखाई देगा, ठीक है, इसका इंटरफेस कुछ ऐसे दिखाई देगा। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए तो यहाँ पे हम अपने किसी भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं, पर हमें जब यूट्यूब का थंबनेल लगाना पड़ता है तो उसका कुछ रेशियो होता है, ठीक है। तो रेशियो क्या है, तो हम रेशियो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो कॉर्नर में आपको ये 3 डॉट्स दिए हुए हैं यहाँ पे आप क्लिक करिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी ऑप्शंस यहाँ पे खुल जाएंगे। तो यहाँ पे दे रहा है इमेज साइज करना है, ट्यूटोरियल है, ठीक है, रिमूव एड्स, अगर आप बोल लेते हैं प्रो वर्जन तो रिमूव ही एड्स हो जाएंगे जिस पे शो कराएगा, ठीक है। उसके बाद फुल स्क्रीन करना है, इमेज आपको गैलरी से इसमें पोर्ट करना है, कैमरा का यूज करना है, ये आपको सभी ये फैसिलिटी देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखिए इमेज साइज जी लिखा है, इमेज साइज, तो हमको किस इमेज साइज में बनाना है तो यहाँ पे हमको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कस्टम लिखा हुआ है, यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कोई भी साइज, पर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे ये जब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ से जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये जो नीचे की साइड से बना हुआ है इस पर आप करेंगे क्लिक, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ये चीज़ दे देगा, कस्टम करना है, स्क्वायर के रूप में बनाना है, प्रोफाइल पिक्चर बनानी है, यूट्यूब बैनर बनाना है, ये या यूट्यूब आपको थंबनेल बनाना है, फेसबुक का कवर आर्ट बनाना है, या आपको गूगल प्लस कवर बनाना है, या ट्विटर हैंडल साइज बनाना है, ठीक है। तो आप कुछ भी बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या बनाना है, तो आपको बनाना है यूट्यूब का थंबनेल। तो यूट्यूब का थंबनेल ये रहा, देखिए यूट्यूब के थंबनेल पे आप क्लिक करना, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेशियो ले लेता है 1280 और 720 का होता है, इसकी जो विड्थ होती है और जो हाइट होती है वो ये होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, अब यहाँ पे आपको ओके कर देना, ओके करेंगे तैसे इसका साइज इतना सा रह जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है ना ये टेक्स्ट, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी का, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अगर मान लीजिए किसी उस पर बना रहे हैं, मान लीजिए किसी टॉपिक पे बना रहे हैं, जैसे हम मानते हैं मैथ के नंबर सिस्टम में आप चैप्टर बना रहे हैं, नंबर सिस्टम, ठीक है। अब ऐसे मान लीजिए आपने पार्ट 1 वीडियो दी, ठीक है, तो यहाँ पे आप पार्ट 1 वीडियो आपने दे दी, ठीक है, यहाँ पे ओके करोगे तो यहाँ पे ये जैसे देखिए ये साइज आ जाएगा आपका, ठीक है।
अब देखिए इसमें भी क्या है, अगर इसमें आपको ये जो डिफ़ॉल्ट इसमें पीछे जो रंग दिया हुआ है, इसका जो बैकग्राउंड है, अगर आपको ये नहीं लेना है, आपको वाइट लेना है, तो यहाँ पे नीचे की साइड पे देखिए डिफ़ॉल्ट थिन थिनर ये आपको दे रहा है 3D बनाना है, कैसा बनाना है आपको। उसके बाद यहाँ आपको ये लास्ट में जो है, लास्ट में जो ये दे रहा है यहाँ पर, ये वाला ये आप चूज करिए पेज, तो इस पर क्या है इसका आपका पूरा वाइट कर देगा, वाइट कर देगा। उसके बाद आपको वही साइज इसका कर देना है, साइज में जाके आपको यहाँ पे जाना है आपका YouTube थंबनेल करके, यहाँ पे ओके कर देना। अब इसका साइज इतना रह गया, अब इसमें मान लीजिए आपको टेक्स्ट लिखना है, तो देखिए टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, ये देखो प्लस का चिन्ह है, तो इस प्लस के चिन्ह को आप प्रेस कीजिए। प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे देगा, यानी टेक्स्ट लिखिए, करंट डेट आप शो करा सकते हैं, स्टिकर का भी जो प्रयोग कर सकते हैं, शेप्स यूज कर सकते हैं आप, फ्रॉम गैलरी से फोटो ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट पे ओके किया, तो आपको जैसे टेक्स्ट मिल गया इसमें क्लिक करोगे दो बार, तो मान लीजिए इसमें आपने क्या करना है, आप इसमें मान लीजिए आपने अभी हमने आपको बताया था नंबर सिस्टम, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम का पार्ट वन आप डाल रहे हैं, ठीक है, या कोई भी टॉपिक है आपका, ठीक है, पार्ट वन, तो आपने इस समय ओके करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसका जो ये आ रहा है आपको इसे घटा बढ़ा सकते हो, अब इसका मान लीजिए आपको साइज बड़ा करना है, तो यहाँ पे आप नीचे की साइड पे आएंगे, तो इधर देखिए ये ए सा बना हुआ है, ए लेटर यहाँ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसमें देखिए काफ़ी ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे एडिट करना है या डिलीट करना है, कॉपी करना है, फ्रंट में लाना, बैक में ले जाना, पोजीशन चेंज करनी है, रिफ्लेक्शन करना है, साइज करना है उसका, पेंडिंग कलर करना है, ठीक है, और भी यहाँ पर काफ़ी सारी आपको मिल जाते हैं। यहाँ बैकग्राउंड का भी आपको ये देखिए बैकग्राउंड का मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रोक कर सकते हैं, शो कर सकते हैं आपकी स्लाइड को, ठीक है, इनर शो कर सकते हैं, उसे अंदर ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ जैसे मान लीजिए आपको इसका अपना साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए एक साइज नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये साइज का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसे इसे करेंगे, ऐसे बढ़ाएंगे हटाएंगे, तो ये बढ़ता घटता रहेगा ये, ठीक है, दिख रहा है आपको बढ़ता घट रहा है, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपको अब नीचे की साइड पे लाना है, तो यहाँ नंबर सिस्टम छोड़ा आपने, जैसे क्लिक किया यहाँ नंबर सिस्टम किया और आपके नीचे करके यहाँ पे टेस्ट कर दिया, तो पार्ट वन नीचे आ जाएगा, इसके बीच में कर दो इसे, ठीक, तो हमने जैसे इसे कर दिया तो नंबर सिस्टम का पार्ट वन हो गया ये, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में और आप कुछ एडिट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए इसमें आप बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, यानी कलर भरना, जिसे कलर करना चाह रहे हैं, तो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ जो कलर दिया हुआ कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी कलर आ जाएंगे, जैसे मैंने हमने यहाँ पे ग्रीन कर दिया इसे, ठीक है, तो ग्रीन कर दिया इसे। उसके बाद क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना है हमें, या हमें इसके थोड़े मोटे अक्षर करने हैं, बोल्ड करने हैं, तो बोल्ड के लिए हम इस बी पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड दिया हुआ, तो बैकग्राउंड में हम कोई भी इमेज इसके सेट, इसके रंग सेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे मान लीजिए इसे हम थोड़ा पीला रंग इसमें हम सेट करते हैं, इसमें कोई भी रंग आप सेट कर सकते हैं, पीला रंग हमने सेट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक लिख लिया टेक्स्ट। उसके बाद आप अपने चैनल का नाम लिखना चाहते हैं, तो आपको इसी प्लेस पर क्लिक करना, फिर आपको एक नया टेक्स्ट लेना है। अब जैसे टेक्स्ट आ गया नया, तो यहाँ पर आपको लिख देना है, जैसे मेरे चैनल का नाम है बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा आ गया ये बेसिक टू टॉप स्टडी, ठीक है, यहाँ पे हम इसे सही क्रम में रखते हैं, यहाँ पे आ गया। अब इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो साइज बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पे साइज में जाना पड़ेगा, साइज पे क्लिक किया, उसके बाद हमने इसे थोड़ा बढ़ा दिया साइज को, ठीक है, फिर साइज को हमने थोड़ा बढ़ा दिया, उसके बाद किया गया हमने यहाँ पर साइज को थोड़ा और बढ़ा देंगे, जिसके बराबर में आ जाए ये सही है, बढ़ गया साइज इसका, ठीक है। इसके हम बोल्ड अक्षर कर देंगे, बोल्ड अक्षर अच्छे लगते हैं थोड़े, ठीक है, बोल्ड कर दिया। उसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोई बैकग्राउंड में इसके रंग भर देंगे, जो कि ये अच्छा लगने लगे थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा रंग देखते हैं, कोई अच्छा सा रंग मिल जाए इसमें, तो मान लीजिए इसे भर दिया इसमें। अब इसके बाद इसका हम कलर करते हैं, तो कलर के लिए हमने कलर ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो कलर में जाके हमने मान लीजिए इसे रेड कर दिया, ठीक है, इसे हमने कैसे कर दिया, रेड कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। उसके बाद ये हमारा चैनल का नाम पड़ गया बेसिक टू टॉप स्टडी। अब इसमें आप लिख सकते हैं कोई भी चीज़ आपको एडिट करनी है, तो देखिए यहाँ पे टेक्स्ट दे रहा है, इस टेक्स्ट पर क्लिक करिए, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और नया टेक्स्ट आ जाएगा, टेक्स्ट आ जाएगा नया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे
बेस्ट ट्रिक, जैसे मान लो ये जो हम टैब हो गया उसकी बेस्ट ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक या बेस्ड ऑन ट्रिक कह सकते हैं हम इसे, तो बेस्ड ऑन ट्रिक या ट्रिकी मेथड कर दें, बेस्ड ऑन ट्रिकी मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसे बेस्ड ऑन ट्रिकी मेथड। अब इसे भी हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, और इसका साइज थोड़ा बढ़ा के इसे बोल्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। तो बोल्ड के लिए हमने यहाँ पे बोल्ड पे क्लिक कर दिया, ठीक है, तो बोल्ड हो गया। उसके बाद हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी हम ऐसे भी रंग ले सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम और भी ऐसे रंग ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड में रंग ले लिया। उसके बाद हमने इसका कलर किया, तो हमें कैसा कलर चाहिए इसका, मान लीजिए हमें इसका कलर चाहिए ये वाला, ये कलर चाहिए, तो हमने इसे कलर कर लिया। कलर करने के बाद क्या गया, अब इनके हम क्या करेंगे, अब इन पर हम थोड़ा साइज बढ़ाएंगे इनका, और ऐसे करेंगे इनमें थोड़ा इनका। अब इसमें देखिए इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है इसके, जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक, तो स्ट्रोक में जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपने क्या कर सकते हैं, इस इमेज का ऐसे करके साइज कोई भी रंग इसके बैकग्राउंड पे ले सकते हैं। तो हमें क्या है, यहाँ पे हमें वाइट रंग लेना चाहिए, वाइट रंग अच्छा उतना नहीं मालूम पड़ता है कि मतलब, देखिए अब यहाँ पर हो गया, ऐसे ही हम इसमें जैसे कर देंगे, तो इसमें भी हम यहीं जाएँगे, स्ट्रोक करेंगे, स्ट्रोक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो स्ट्रोक वाले पे क्लिक करिए और फिर इसे भी स्ट्रोक करते हैं थोड़ा, ठीक है। तो इसके हम पीछे कोई भी कलर लगा सकते हैं, तो हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे कि हम इसमें थोड़ा ऐसा कलर लगाएं जो ज़्यादा मालूम न पड़े दूर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये, यहाँ पे हम क्या करें, थोड़ा इधर से ये रंग नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये अपना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया अपना, इसके साथ हमने इसे कंबाइन कर दिया, इसका थोड़ा साइज बढ़ा दे रहे हैं जो कि उसके बराबर में आ जाए, ठीक है। तो हमने इसका ये साइज बढ़ा दिया। उसके बाद हमने ये देखिए बेसिक टू टॉप ये लिखा है मेथड का, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम एडिट कर सकते हैं, स्ट्रोक कर सकते हैं इसे, तो स्ट्रोक कर देते हैं हम इसे थोड़ा, तो इसमें हम वाइट रंग ही लेंगे जो कि ये ज़्यादा ना मालूम पड़े, तो स्ट्रोक हमने इसे कर दिया, ठीक है, स्ट्रोक हमने इसे इतना कर दे रहा है स्ट्रोक, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर और कुछ लिख दीजिए, जैसे आपका मन करता है कुछ एक और टेक्स्ट लिख दीजिए जो इसके फ्लैप हो जाए, ऐसे मान लीजिए सब्सक्राइब लिख दीजिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, तो सब्सक्राइब लिख के यहाँ पे हम इसे ले आए सब्सक्राइब को, ठीक है। अब इसका हम थोड़ा साइज बढ़ा देंगे जो कि ये बड़ा सा लगने लगे, ठीक है। तो हमने सब्सक्राइब का क्या किया, इसका थोड़ा बढ़ा दिया इसे, अब हम थोड़ा इसे बोल्ड कर दे रहे हैं, बोल्ड कर देते हैं। इसके बाद इसमें हम रेड कलर करेंगे, रेड कलर कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इस साइज़ को क्या करें, इसका थोड़ा हम साइज़ कम कर दे रहे हैं क्योंकि ये ओवरलैप और उससे ऊपर जा रहा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्सक्राइब का कर दिया, तो यहाँ पे सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए और सब्सक्राइब के भी पीछे भी हम लगा सकते हैं, ठीक है, सब्सक्राइब का हो गया बटन आपका। सब्सक्राइब को हमें क्या करना, हम ऐसे करते हैं थोड़ा पीछे हेड कर देते हैं जो सी के आ जाए, जैसे ये फ्रंट लिखा है तो फ्रंट में आ जाएगा, पीछे वाला बैक हो जाएगा, इसे हम बैक कर देते हैं, पीछे कर देते हैं, सब्सक्राइब वाला आ गया, ये आ गया आपका, बन गया। इसके बाद आपको लगाना है फ़ोटो कोई, ठीक है, जैसे अभी हमने एक जो यहाँ से हम करेंगे फ्रॉम गैलरी, तो गैलरी से हमें करना है एक फ़ोटो लगा देना है इसमें, तो हमने क्या किया, हमने अभी ये फ़ोटो किया था PNG में, तो इसे हम करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस फ़ोटो को, जैसे आपका भी फ़ोटो हो सकता है यहाँ पर, हमने तो ऐसे ही डेमो के ले लिया ये, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर इस फ़ोटो को
लगा दीजिए, जैसे आपका भी ये फ़ोटो हो सकता है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे जो ये डॉट ये दिया हुआ है यहाँ पे आपको सेव कर देना है इसको, ठीक है, क्या कर देना, सेव कर देना है। अब देखिए और भी इसमें काफ़ी फीचर्स होते हैं, नो फीचर्स के बारे में आपको बताएं, काफ़ी फीचर्स होते हैं इसमें। जैसे आप मान लीजिए आप कोई भी एरो का प्रयोग करना चाह रहे हैं, एरो का प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप एरो भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है, एरो भी आपको मिल जाएंगे तो आप इसमें एरो भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हमने इस पर ये देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे है ये, जैसे तीसरे नंबर वाला एरो के लिए, तो एरो ये रहा, एरो एरो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसे घुमा के इधर रख दें और हमें यहाँ पे कोई चीज़ हमने हाईलाइट की है तो यहाँ पे हम सीधे एरो में भी हम फिलअप कर सकते हैं, रंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, जो सा भी रंग करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको यहाँ पर हमने कर दिया तो यहाँ पे क्या है, इसे भी हम साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ पे ये आपको सेव कर देना है इमेज को। जैसे आप इमेज सेव करते हैं तो ये आपका गैलरी में सीधा पोर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए अभी गैलरी में आपको दिखाई देगा, तो ये देखिए यहाँ पर आपको गैलरी में जाना है। तो अभी जैसे मैंने ये किया था तो ये देखिए यहाँ पर हमारा बन के तैयार हो गया है। तो अब ये बन के तैयार हो गया है, अब ये थंबनेल बन गया है, ठीक है। अब इसे हमें कहाँ लगाना है, कहाँ से लगाना है, तो आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे, आपको एक ऐप की ज़रूरत और पड़ेगी जिससे कि आप अपने उस चैनल पे आप अपने उस चैनल पे आप सब देख सकते हैं ऐप पे कि हमारे चैनल कितना ग्रो कर रहा है, कितना ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस चैनल को आप पूरा देख सकते हैं। तो हम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ज़रूरत ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये वो है क्रिएटर स्टूडियो या यूट्यूब स्टूडियो, ठीक है, इसे क्रिएटर स्टूडियो कहते हैं, तो इसे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके डालना है यूटी स्टूडियो, बाईटी स्टूडियो डाल दो या तो आप, ठीक है, स्टूडियो जैसे ही आप डालेंगे तो ये आ जाएगा, देखो यूट्यूब स्टूडियो, यूट्यूब स्टूडियो, इस भी आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पे आपको यहाँ इंस्टॉल करने के लिए देगा, तो इंस्टॉल कर लीजिए। फिर इसे आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारा एक चैनल है, ठीक है, उसमें जैसे इसमें हमारे कितने चल गई है वीडियो, जैसे मान लो इसमें आपको सब कुछ दिखाई देगा, जैसे वॉच टाइम दिखाई देगा, आपको व्यू दिखाई देंगे कितने लोग व्यू हो चुके हैं, सब्सक्राइबर चेंज कितना, सब्सक्राइबर आगे बढ़ रहा है पीछे हो रहा है, रेवेन्यू आपका तब होगा जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये नीले कलर का बन जाएगा, ये आपका इस वीडियो पे नीले कलर का दिखाई देगा। अब मान लीजिए इसमें एक वीडियो हमने डाला हुआ था, ठीक है, तो एक वीडियो डाला हुआ था, उसके बाद यहाँ पे दो वीडियो हमारे फेल्ड हो गए थे, ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या है कि इसमें आपको सब अपनी शो कराएगा सब चीज़, और इसी में आपको थंबनेल बनाना है, थंबनेल लगाना है। कैसे थंबनेल लगाएंगे, मान लीजिए यही वीडियो है तो इस वीडियो को हमने खोला, खोलने के बाद यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिखाई देंगे, देखिए एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, चलिए हम इसमें ये वीडियो देखते हैं है कि नहीं है, नहीं है ये वीडियो, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये देखो कलम सा, ठीक है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है, इसी पे क्लिक करना है आपको। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस पर इस तरह से इंटरफेस आपका खुल जाएगा, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको देगा, यहाँ पे सेव करने के लिए एक ऑप्शन देगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो आप अपने वीडियो का टाइटल डाल सकते हो, यहाँ पे जो भी टाइटल है वो आप यहाँ से लिखिए, ठीक है। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन में जो लिखना चाह रहे हैं वो लिखिए, अपने चैनल के बारे में, अपनी वीडियो के बारे में लिखिए, जो भी आपने वीडियो में प्रोवाइड कराया है। उसके बाद ऐड प्लेलिस्ट जब बनती है तो आपको प्लेलिस्ट में ऐड कर सकते हो, और यहाँ से आप अपने चैनल का क्या दे सकते हो, अपने चैनल की आप अपना हैशटैग दे सकते हो, ठीक। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो लिखा हुआ है एडिट थंबनेल, तो इसी पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक देखिए ऑप्शन इधर आ जाएगा कस्टम थंबनेल करके, तो इस पर आप क्लिक करिए, कस्टम थंबनेल पर आप क्लिक करेंगे तो अभी क्या है, ये जो चैनल है वो मेरा वेरीफाई नहीं है, इसलिए यहाँ पे कस्टम थंबनेल नहीं आ रहा है, ठीक है। जब तक ये वेरीफाई नहीं होता है तो कस्टम थंबनेल आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो चलिए किसी दूसरे चैनल पे हम ट्राई करके देखते हैं।
तो ये देखिए, ये हमारा चैनल यहाँ पे क्या है, मोनेटाइज वो है यहाँ पे, ये चैनल यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया था एक बार। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 5 दिसंबर 2018 को हमने एक वीडियो डाली थी, तो यहीं पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ही ये देखिए, इधर ये कलम का जो बटन आ रहा है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे कुछ दिखा जाएगा। उसके बाद क्या करना, आपको ये जो थंबनेल लिखा हुआ, थंबनेल पर क्लिक करिए। थंबनेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखिए कस्टम थंबनेल करके आ रहा है, तो कस्टम थंबनेल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे वैसे ही आपका यहाँ पे मांगेगा आप कौन सा फ़ोटो लगाना चाहते हो। तो ये हमने अभी बनाया था, तो हमने ये फ़ोटो आपको लगाना है, तो इसे हमने क्या किया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहीं पे आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सेव करते हैं, तो ये वीडियो पे आपकी जो वीडियो होगी उस पर एडिट हो जाएगा, और वहाँ पे आपको वीडियो पे दिखाई देने लगेगा। देखिए तो यहाँ पे ये हमारा दिखाई देने लगा है। अब जो भी व्यक्ति वीडियो को देखेगा, उसको यहाँ पे शुरू में आपका थंबनेल दिखाई देगा। तो चैनल के लिए एक थंबनेल, अच्छा थंबनेल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लीजिए, अगर आपका जो थंबनेल है वो अच्छा नहीं है, तो आपकी वीडियो नहीं दिखेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अच्छा सा थंबनेल बनाना है ऐसे ही। तो हमने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी। अगर कोई भी अभी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, जिससे कि हम आपको उससे रिलेटेड आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसे हम पूरा सुधार सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।